अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम टू ऑल माय ऑनलाइन सीरियस स्टूडेंट्स फॉर दिस ऑनलाइन फ्री क्लास। टुडेज सेशन टू पार्ट टू क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टेट पेपर वन सिलेबस। आज हम पेपर वन का, जो टेट का पेपर वन है, उसका सिलेबस का डिस्कशन कर रहे हैं। सेशन वन में मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह पेपर क्या है बता दिया, तो आप लोग कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पेपर वन पेपर टू का कंटेंट सेम, सिलेबस तो सेम है, तरीका भी सेम है। 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चंस है। तो होता कहाँ, बोलते डिफरेंस कहाँ पर आता, बोलते आपको कहाँ पर आता डिफरेंस? जस्ट खाली कंटेंट में, पेपर टू का कंटेंट और पेपर वन का कंटेंट क्या होता, अलग अलग होता। पेपर वन का कंटेंट और पेपर टू का कंटेंट अलग अलग होगा। तो जैसा कि मैं आपको बताया, ये पेपर वन में पांच हिस्से हैं और पेपर टू में भी पांच हिस्से हैं। एक एक हिस्से के 30-30 मार्क्स हैं, 30 पंजे 150 मार्क्स, 150 क्वेश्चंस। तो अब तक जो क्लास चली मेरी, सुभाष है, पेपर वन और पेपर टू सेम है बल्कि बता दिया मैं, आपके सामने है, पेपर टू भी सामने है आपके। तो पेपर वन पेपर टू में ये सिलेबस में कुछ डाउट है क्या? डाउट है क्या पूछो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। किसी को कुछ डाउट है क्या? सिलेबस पेपर वन नहीं और सर, पेपर टू नहीं सिलेबस, सर, क्लैरिटी आ गई ना आप लोगों को? ना जी सर, हर सब्जेक्ट में कंटेंट 24 मार्क्स का है और पेडागॉजी कितने मार्क्स का है? ठीक पेडागॉजी कितना है? मैथ्स में पेडागॉजी कितने मार्क्स, कितने क्वेश्चंस, कितने मार्क्स का है मैथ्स में, चाहे पेपर वन हो पेपर टू में? फिर पेडागॉजी चेंज हुआ था। अब देखो पेपर टू में अगर आप मैथ्स का कंटेंट देखेंगे, मैथ्स का, और उसका कंटेंट पेडागॉजी पार्ट ए, देखेंगे, हाँ पेडागॉजी क्या होता है बोलते, 6 मार्क्स का होता। और फिर साइंस का पेडागॉजी 6 मार्क्स का होता। तो कुल मिला के पेपर टू वालों के लिए पेडागॉजी कितना होता मैथ्स का? 12। और सोशल वालों के लिए कितना हो जाता पेडागॉजी? पेपर टू के लिए पेडागॉजी कितना होता? 12 मार्क्स का होता। ये क्लियर है आप लोगों को पेपर टू वालों को? जी सर, पेपर वन में हर सब्जेक्ट में पेडागॉजी 6-6 मार्क्स का है, ठीक है सर? जी सर, तो क्या भी हो, 54 मार्क्स आपको आसानी से मिलते अगर मेरी क्लास अच्छा सुने तो। अरे सर वो 30 मार्क्स भी थे ना सीडी पे आपका, फिर अब 54 मार्क्स कैसे हासिल होते? बोले तो आपको मालूम है पेडागॉजी मतलब क्या पूछता होने वाला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन इधर अब देखो, तरीका तदरीज बोल के है यहाँ पर उर्दू में, ये निशाना तरीका तदरीज बोल के नीचे सवाल पूरे दिया। अब यहाँ देखो 7 नंबर पे देखो आप, या ना तो 8 नंबर पे देखो। 8 नंबर पे क्या लिखा हुआ है उर्दू वाले? ये 8 नंबर किसी मुसलसल जामे जान बोल के, असली जामे जान बोल के, जामे मजमू जामे जान जान से कहाँ पढ़ना, कौन पढ़ाना? जमील सर पढ़ाना, जमील सर के पास ही चाहिए कंटेंट इसका, पेडागॉजी का, तरीका तदरीस का, तो आपको सुनना ही सुनना पड़ता। मुसलसल जामे जांच बोलते, सीसी तश्कीली जांच बोले तो बोलो। फॉर्मेटिव अरे असेंबली, वेरी गुड, अच्छा मालूम। कहाँ गए फॉर्मेटिव आप तनवीर, कहाँ गए आप? मंसिया डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के बहुत हुशार है बच्चा, वेरी गुड एक्सलेंट। और साथ में तश्कीली जांच के बाद मजमू जांच बोल के लिखा, मजमू जांच का माने क्या है? सम्मेटिव। समेटिव ये तनवीर नाम के असेसमेंट। दोनों है, ये खाली तनवीर कहाँ के है? एक नास तनवीर है, खाली तनवीर है। हैदराबाद के हैं तनवीर। अरे जहीराबाद के तो बहुत हुशार है, देखेंगे जमील सर आगे से बहुत हुशार जहीराबाद के बच्चे, वेरी गुड, अच्छा सही आंसर दिया। मजमू जांच बोले तो क्या है, मजमू जांच का मतलब क्या है? सम्मेटिव असेसमेंट, समेटिव एस ए, एस ए। परसों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, असेसमेंट 1 साल में कितने ऐसे रहते, बोल के कितने ऐसे रहते जी 1 साल में? वेरी दो रहते सर, गुड दो हनीफा, रहते सर, हनीफा आप कहाँ गया? दो रहते हनीफा सर। नारकानम डिस्ट्रिक्ट नागरकोल डिस्ट्रिक्ट बोल दो, पालम और महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट, बहुत हुशार महबूबनगर के बच्चा, सबसे ज्यादा सर। हुशार महबूबनगर के स्टूडेंट्स, वेरी गुड एक्सलेंट, ठीक है ना? एक से बढ़कर एक है, क्योंकि ये है सभी शागिर्दा है, एक से बढ़कर एक, क्या बोलते? ठीक है, होशियार है ये तमाम चीजें। आपको क्या कैसा पेडागॉजी नहीं पूछता, आपको क्या पूछता बोलता?
एफएस कितने रहते हैं बोल के पूछता, एक साल एफए। फोर या फिर नहीं चार तो है ना, फोर चार है है, चार। फोर है। मगर तबसुम सही आंसर दिया। तबसुम आप कहाँ गए? अरे कर नगर अगेन, महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट, हुशियार, पालमपुर, महबूबनगर। वेरी गुड, एक्सलेंट। मेरे बहुत दोस्त हैं महबूबनगर में, चासा कुटे पे है, वनपर्ती में है, ठीक है ना। एनी वे, बोलने का मतलब क्या है, बोलने का मतलब क्या बोलते, ये 6 मार्क्स में से क्या पूछता होता, वो कुछ भी सवाल क्या पूछ सकता हूँ, तो पेडागॉजी से रिलेटेड पूछता, चाहे वो असेसमेंट होने दो, चाहे लेसन। देखो अब एक बार 7 नंबर पे प्लानिंग के बारे में दिया, प्लानिंग के बारे में देख रहे आपको, मंसूबा बंदी, सालाना बंदी, अकाई सबक की मंसूबा बंदी जी बोल के दिया। सर, अकाई यूनिट सबक, अकाई बोल के दिया। अकाई के माने क्या है जी? यूनिट यूनिट। फर्स्ट वेरी गुड, यूनिट अच्छा ठीक है। तो फिर आज हम उसको लेसन प्लान बोल रहे हैं, यूनिट प्लान बोल रहे हैं आज के दिन। लेसन प्लान्स लेसन प्लान बोलने का दौर खत्म हो गया, यूनिट प्लान चल रहा। प्लान यूनिट प्लान बोल। बोल हाँ रहा, हाँ लिख लो, पीरियड प्लान बोल रहा, पीरियड प्लान, लेसन प्लान नहीं बोल रहा। लेसन बोल तो बहुत बड़ा लेसन अच्छा रहता, उसके अंदर 5-6 तो आपके पीरियड्स रह सकते हैं। इसको नया नाम क्या है लेसन प्लान का, तो पीरियड प्लान। मैथ अच्छा बच्चे, 3 गामा करते, जमील सर के अच्छे नहीं स्टूडेंट्स, सुनते लिख लेते, जरूरत पड़ी होगा। तो वक्तन फवक्तन डाउट भी पूछते। तब तो आपके सामने एक सवाल है, कौन बनेगा करोड़पति का, 1 करोड़ का सवाल है, रखो सामने सवाल। तैयार जी सर, रहे आप जी जवाब सर, देने के लिए? जी सर, और जो क्वेश्चन आया था माशाल्लाह। एग्जाम में, एक क्वेश्चन आया था डीएससी में। अरे सर डीएससी में पेडागॉजी कहीं को पूछ रहे, मतलब रखा होने तुम्हारे, आप लोगों की किस्मत को क्या करेंगे, डीएससी में पेडागॉजी है नहीं है, बोलो। हाय सर, हाँ तो सवाल है आपके हाय सामने। हाँ सर, सालाना मंसूबा इसने बनाने, सालाना मंसूबा बनाने की जिम्मेदारी इसकी है, बल्कि नीचे ऑप्शंस दिया, ऑप्शंस बोलो। हेड अरे मास्टर, सुनो टीचर जरा, को सर, अरे ठहरो जरा, पहले सुनो जरा। देखो डीजल प्लान मतलब छोटा रहता, टीचर बना लेता, तो अभी सालाना मंसूबा हो रहा, एनुअल प्लान कहते, बड़ा प्लान है, 1 साल का, 365 दिन का। सबसे पहले किसका नाम दिया, मतलब डीओ, ऑप्शन हेड 1 डीओ, मास्टर, ऑप्शन 1 डीओ, ऑप्शन 2 एमईओ, ऑप्शन 3 हेडमास्टर, ऑप्शन 4 टीचर। टीचर सर, मास्टर, यास्मीन, टीचर मास्टर, टीचर सर, हेडमास्टर, यास्मीन, हेडमास्टर यास्मीन, यास्मीन सही बोल रहा, यास्मीन बोलो, यास्मीन। सर, हेडमास्टर सर, पहले हम कौन बोले टीचर, बोला जी, हेडमास्टर, हम भी हेडमास्टर कौन कौन बोले? बोले सर, ये बोली बात है सर, वरंगल से बीच के टीचर बेंच वाले कुछ भी ना नागरकनो बोला, से, हाउ ही बैठे हैं ना, बीच के बेंच वाले। नागरकनो से सर, सेक्शन अरे से नागरकोल के बहुत होशियार है जी, बहुत अच्छे आंसर आए थे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। ये समीरा बेगम खामोश है, तानिया खामोश है, रिजवाना खामोश है, नुसरत खामोश है, फातिमा खामोश है, निशात खामोश है, नाजिया खामोश है। आप लोग भी दो आंसर याद रखो माय हेडमास्टर डियर सर, स्टूडेंट्स, लिख लो पेन नोटबुक ले लेके। टीचर मास्टर, प्लान बनाने की जिम्मेदारी खाली टीचर टीचर की, हेडमास्टर ने बना था, डीओ ने बना था, एमबीओ ने बना था, बहुत सारे प्लान रहते, टीचर ही बना। एनुअल प्लान है, सर, बहुत मैं बड़ा जस्ट प्लान है, टीचर ने बना, टीचर कैसा बना सकता, हेडमास्टर को टिक करेंगे, हेडमास्टर कुछ भी काम नहीं रहता, समझ रहे हैं क्या? नहीं, एनुअल प्लान रहने दो, लेसन प्लान रहने दो, यूनिट प्लान रहने दो, पीरियड प्लान रहने दो, क्या भी रहने दो, ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ किसकी है, आपकी है। आप कौन, आप बोल दो टीचर। देखो कुछ टीचर लोग क्या करे मालूम, अरे लेसन प्लान टीचर बनाता, पीरियड यूनिट प्लान हेडमास्टर बनाता, मंथली प्लान एमईओ साहब बनाते, एनुअल प्लान डीओ, एनुअल मतलब साल का है ना, बड़ा है ना, बड़ा आदमी बनाना, बल्कि सब्जियों ने डीओ को, एमईओ को, हेडमास्टर को टिक करके आके, इतना इजी क्वेश्चन था, हौला है इतना आंसर, इतना इजी क्वेश्चन पूछता है, हंसी मजाक कलर है बाहर बैठ के, की आई बात में, की में क्या लिखा हुआ, टीचर बोल के लिखा, सब्जियों ने उंगलियां कतल, जबान कतल, गलत उनला, सही जवाब कहीं नहीं, कई गुना जैसे के मालूम ना बच्चे, जब जमीन जवाब सही नहीं दे सके क्यों मालूम, बोल सकते हैं आप जवाब सही क्यों नहीं दे सके बोलो। सही जवाब क्यों नहीं दे सके? से इसलिए नहीं, सही प्लान, सही जवाब बोलना क्यों नहीं दे सके बोले, तो वो लोग जमील सर की क्लास में नहीं आबसेंट थे, जमीन
जमील सर क्लास अटेंड नहीं करे? क्यों बोल दो, उस दिन रमजान का महीना था, नींद प्यारी थी, खास तौर पे सेकंड सेशन तो खत्ते वो लोग अटेंड नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको वो सवाल का जवाब सही टिक करने नहीं आया। ये है हमारी क्लास की अहमियत। तो आगे बढ़ते हैं, हम सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। तो पेपर वन में या पेपर टू में, देखो पेपर टू में भी वही है पीडीपी, ठीक है ना, और पेपर वन में भी वही है, क्लियर। पेपर वन में सीडीपी के कितने हिस्से पढ़ा था, इससे पहले परसों बताया था ना मैं, आप कितने हिस्से थे? वन टू थ्री थ्री। तीन हिस्से तीन फाइनल परसों मेरे यहाँ भी बताया था आपने, मेरे किसमें, मेरे इसमें, मेरे सॉरी पावर पॉइंट में आपको मैं ये बताया था, याद है आपको? देखो तो लास्ट का ये दर्जाबंदी करा था, इसमें याद है ये? जी सर, याद है सर। सीडीपी के टॉपिक्स हो, एक दो तीन, तीन हिस्से हैं इसके, तीन हिस्से। उसी तरह यहाँ आपको तीन हिस्सों में इसको पढ़ना है। पहला है डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है ना, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लर्निंग, तीसरा अंडरस्टैंडिंग पेडागॉजी, तीसरा। लिख लेना नोटबुक में, ऑफ आप हर चीज लिख के रख लेना आप। सीडीपी पेपर वन हो दो, पेपर टू हो दो, दोनों में सीडीपी कॉमन है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी कॉमन है, 30 मार्क्स का है, जिसमें उसके कितने हिस्से हैं? तीन हिस्से हैं। पहला हिस्सा है डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लर्निंग, या तीसरा लर्निंग, पेडागॉजी, नंबर टू लर्निंग पेडागॉजिकल है, कॉन्सर्न्स, पेडागॉजिकल हाँ नंबर थ्री बोल तो पेडागॉजी तरीका तदरीस है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सीखना है। तो जब हम पहला हिस्सा देख रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड बोले, तो क्या आपको समझने की जरूरत है? चाइल्ड को, बच्चे को समझने की जरूरत है। बच्चा किसको बोलते हैं हमारी जबान में? 3 साल से लेकर 18 साल तक, आज का नया कॉन्सेप्ट है, पुराना आरपी के हिसाब से 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को हम क्या बोल रहे हैं? तो बच्चा बोल रहा है, स्टूडेंट बोल रहा है, चाइल्ड बोल रहा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, क्लियर। 6 से 14 साल। अब रही बात डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ग्रोथ एंड मेच्योरेशन के बारे में, मैं आपको बाबा यूट्यूब पे मेरे क्लासेस है, देखिए आप कोई किसी को टाइम मिला देखने, हाँ देखे सर, यूट्यूब पे मेरे क्लासेस है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, मेरे चैनल पे जाके आप देखो, यहाँ पर दुनिया के क्लास में पढ़े हुए हैं, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। देखो पेडागॉजिकल कंसर्न बोल के सर दिख रहा, डे 6 पार्ट 1 या दिख रहा, तो 1 साल पहले समझाया था मैं। पेडागॉजिकल कंसर्न की क्लासेस अलग लिया मैं, लर्निंग के क्लासेस अलग लिया मैं, डेवलपमेंट के क्लासेस अलग लिया। देखो कई क्लास पढ़े हुए दिख रहे हैं, टोपी लगा के मैं, ये भी रमजान का महीना देखो, 3 साल पहले दिख रहा। डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ जी क्या, मेच्योरिटी क्या है, ये क्या बोलते, कोहिन बर्ग की थीरी है, ये देखो तमाम चीजें हैं। आप थोड़ा सा कभी टाइम निकाल के ये भी वीडियो देख सकते हैं, नहीं बोलते इंशाल्लाह मैं आपको समझा देता हूँ, समझाइए कोई बड़ा काम नहीं है मेरे लिए। क्लास में जी। नहीं क्लास भी देखो आप क्लास भी देखो, कोई बुरी बात नहीं है, शायद मैं यहाँ कोई चीज भूल जाता हूँ, देखिए सर वो तो शायद भी वहां कोई चीज अच्छी आपको दिख जाती। तो इस तरह से आपको हर तरह से, हर तरीके से आपको तैयार रहना है। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मुराद क्या है? मतलब नशोनुमा होता है, नशोनुमा यानी मुकम्मिल तौर पर बच्चा तरक्की करना, मुकम्मिल तौर पर, तरफ मतलब करना जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, समाजी तौर पर, जबानी तौर पर, लिसानी तौर पर, जज्बाती तौर पर, जिंसी तौर पे, तमाम एतबार से बच्चे की क्या है, तो सही तरक्की होना, उसको हम क्या बोल रहे हैं, तो नशोनुमा डेवलपमेंट बोल आराम। उसके बाद ग्रोथ है, ग्रोथ के माने क्या है, मेच्योरिटी क्या है, ग्रोथ यानी क्या है, तो बालिदगी है, बालिदगी बोलते जिस्मानी तरक्की को हम बालिदगी, जिस्मानी तरक्की, मिसाल के तौर पर वजन बढ़ना, कद बढ़ना, पैदा खुद बच्चा बन 3.5 किलो का रहता, 3.5 किलो बोलते बस सेहतमंद बच्चा बोलते, धीरे 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 बच्चे का वजन 3.5 किलो रहता, बढ़ता वजन बढ़ता बढ़ता बढ़ता, तो ये वजन बढ़ता के इजाफे को क्या बोलते हैं सर, हम? ग्रोथ बोलते हैं, डेवलपमेंट बढ़ता बोलते हैं। वजन के इजाफे को हम क्या बोलते सर, ग्रोथ हैं? बढ़ ग्रोथ बोलते हैं। कल आपने ग्रोथ सवाल आता स्टेटमेंट, बोलते सर। हाँ रहीम नाम का बच्चा पैदा हुए वक्त 3 किलो का था, 1 साल के बाद 10 किलो का हुआ है, इसको हम ग्रोथ साइकोलॉजी में, एजुकेशन साइकोलॉजी में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डेवलपमेंट, ऑप्शन टू ग्रोथ, ऑप्शन थ्री मेच्योरिटी, ऑप्शन फोर लर्निंग। ग्रोथ सर, अभी ग्रोथ सर, ग्रोथ सर, नो, ग्रोथ अभी नो क्लास, आज मेरी क्लास को नहीं आए वाले क्या टिक करके आते हो, तो लर्निंग को टिक करके आते, कई को टिक करके आते,
उनको क्या सीखा सुन पहले सर मुस्तफा क्लास सिंह तब्दीली को आप एक साहब बोले थे ना सर, बोल के बोलते मुस्तकिल तब्दीली, मैं मुस्तकिल तब्दीली बोला, मैं किसमें बोला, जिस्मानी तब्दीली बोला, रवैये में तब्दीली बोला, रवैये में रवैये में रवैये में तब्दीली तब्दीली अगर आ रही, बर्ताव में तब्दीली आ रही तो एहतसाब है, और जिस्मानी तब्दीली आ रही तो वो नशोनुमा हो सकता या का बालिदगी हो सकता, ये है मामले। एक क्योंकि बालिदगी ग्रोथ भी क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ क्या है सर, ग्रोथ बोल के छोटे सर्किल में आता, उसके ऊपर एक बड़ा सर्किल मारो, बड़े सर्किल में डेवलपमेंट लिख लो, छोटे सर्किल में जी लिख लो, क्लियर? सर जल्दी ठीक है। तो ग्रोथ बोलो तो जिस्मानी तब्दीली और साथ ही साथ वजन में या कद में, वालेकुम इस्लामी सर सलाम, मैं समझ जी गया ना बिल्कुल, सर। मैं जी सर, जरा अभी बोले सर, फिर से एक मरतबा बोलिए ना सर। कौन सा बोलो, ये लर्निंग के बारे में बोल रहे थे ना आप। क्या पूछ रहे हैं आप, मैं क्या बोला, लर्निंग लर्निंग क्या है बोले तो रवैये में तब्दीली, मुस्तकिल तब्दीली, एक फर्द देखिए रवैये में या उसके बर्ताव में, तदरीस की बुनियाद पे, तरबियत की बुनियाद पे, तजुर्बे की बुनियाद पे आने वाली मुस्तकिल तब्दीली को मैं इत्तेसाब बोल रहा हूँ, यह इत्तेसाब। मैं इत्तेसाब के परसों आपको नोट भी दिया था, याद होगा आपको, मैं भेजा था ना तो, जी सर हाँ भेजा था, वो नोट देख सकते हैं आप। हम यहाँ पर उर्दू में आपको पेश भी करा था मैं, देखो यहाँ पर आप देखा बहुत मेरी गया सर। परसों इतिहास में नहीं आए, स्टार्टिंग इतिहास में नहीं आए, सर परसों जो नोट्स शेयर किए थे आप, वो नोट्स फिर से एक बार शेयर कीजिए ना सर, जो न्यू उर्दू ग्रुप बनाए इसमें। हाँ के उर्दू के लर्निंग नहीं के नहीं आप इक्तिसाब बार के। बार आप लोग मेरे को काम में लगा ना, आप ग्रुप में एक शेयर, एक ग्रुप में, अब देखो मिसाल के तौर पे ये ग्रुप है, एक ग्रुप में, एक ग्रुप में कहाँ है, यहाँ है ग्रुप, ये है आपका व्हाट्सएप, कौन से ग्रुप में है आप कौन से ग्रुप में है मिसाल के तौर पे बताइए, आप कौन से ग्रुप में नया है, ग्रुप ग्रुप का बनाया ना नाम सर, बताओ। हाँ अभी नया एडीएलएड ग्रुप बनाया ना बोलो, सर आपको। एडीएलएड ग्रुप है, यहाँ ग्रुप में क्या करना, ऐसा लिखना अस्सलाम वालेकुम, किसी के पास जमील सर के उर्दू के कोई नोट किसी के पास है क्या, बोल के टाइप करके आप मैसेज डाल दिए तो कोई ना कोई आपको शेयर करता, नहीं करता, आप जरूरी नहीं मेरे सर को कुछ ग्रुप ना में कुछ। एडमिन ही मैसेज कर सकते बोल के है सर, वहां पर हम लोग अच्छा ब्लॉक ठीक होके है ना है, सर। पर्सनल है ना तो मैं आपको खोल लेता हूँ, आपको दूसरे ग्रुप में ऐड कर दूँ, ठीक है ना। अब वो जो मेरे पास थे जी नोट्स, मेरे पास जो नोट्स थे वो शायद डिलीट हो गए होंगे, मैं किसी के पास से लेके भेज देता हूँ, ठीक है ना। अगर इंग्लिश में नोट्स किसी कैसे करते के पास है 4 पेज उर्दू के लर्निंग के तो फिर एक बार मेरे को भेज दो, क्लियर, मैं भेज देता हूँ ठीक सर, इंग्लिश में नोट्स आपको, दे सकते क्या सर? इंग्लिश में भी दे सकते हैं, बहुत सारे पढ़े हुए इंग्लिश, इंग्लिश में तो आपको नोट्स कहीं के होना, बोलो यही इंग्लिश में सीडीपी कहीं कहीं से के, भी मिल जाता है सर, उर्दू के लिए मुश्किल है। तो इंग्लिश में मैं कौन से नोट्स निशात है वो हूँ, बोलो, इंग्लिश में कौन से नोट्स है निशात आप, अब देखो सीडीपी की सर। डेवलप डेवलपमेंट बोल के मारे तो डेवलपमेंट का डेफिनेशन आया था आपको यहाँ पर गूगल में, द प्रोसेस ऑफ डेवलप, कुछ भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, कौन इंग्लिश वाले, ये मसला है सिर्फ जी किसका, जी उर्दू सर मीडियम वालों का है मसला, उर्दू मीडियम का सही जी मवाद सर अपने को दस्तियाब नहीं है, तो मैं पूरी कोशिश उर्दू मीडियम हेल्प करने कर रहा हूँ, वरना वरना आपको क्या है बोले तो, अगर आप मेरी क्लास अटेंड करें तो शायद ये देखो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का स्क्रीन पे आपको दिख रहा, पीपीटी दिख रहा आपको, दिख रहा स्क्रीन पे, दिख रहा, दिख इसमें अगर आप मेरी क्लास अगर अटेंड करें, मैं जब डेवलपमेंट और ग्रोथ जब पढ़ाऊंगा तो उसका तफसील से उर्दू और इंग्लिश में खुलासा है, इसका तफसील से उर्दू और इंग्लिश में उसके डेफिनेशंस वगैरह वगैरह है, तो आप क्या कर सकते हैं, उर्दू में भी लिख ले सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख ले सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, वो क्या बोलते हैं, वो स्लाइड आपके सामने रखता हूँ, बहुत नीचे होंगे, ये गुजिश्ता साल के पीपीटी से जो मैं पढ़ाया था बच्चों को गुजिश्ता साल के, इसमें कहीं है या नहीं बोलता, आप देखो यहाँ है, देखो यहाँ से ग्रोथ किसको बोलते हैं, डेवलपमेंट किसको बोलते हैं, देख रहे हैं आप, क्यों नहीं हो रहा सर? देखो पेडागॉजी क्या है, डेवलपमेंट क्या है, दिख रहा है आपको, हाँ ये उर्दू में है, जी सर, ये बहुत अच्छा उर्दू में सर, दिख रहा, मैं उर्दू में दिख रहा है आपको, जी
ह्यूमन नहीं, थोड़ा डेवलपमेंट कैसा जेंडर हो, चेंज ना माँ हो माँ जाए। के पेट में रहा मैं बच्चा कैसा डेवलप होता, पहले जाइगोट एम्ब्रियो फीटस मुझे भी नहीं एग। दिख रहा सर इसमें, स्क्रीन कैसे नहीं, पढ़ स्क्रीन पे रहा नहीं आया सर कुछ भी, स्क्रीन है? स्क्रीन शेयर पे नहीं हुआ कुछ भी सर, नहीं स्क्रीन आया। शेयर नहीं हुआ सर, वो आप बोल रहे हो। अब आ रहा, ओ अब आ अब रहा सर, सर ऐसा, ये मैं आपको क्या कर ये दूं, सेंड करिए हाँ सर। पढ़ा तो खुद, तो आपको समझा दो मैं डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है, समझा दो खुद, पढ़ा तो आप इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेना, उर्दू वाले उर्दू में लिख लेना, जी सर, उर्दू वाले उर्दू में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेना। ये देखो यहाँ है ग्रोथ, ग्रोथ किसको बोलते हैं, बालिदी के माने क्या, समय इंग्लिश में भी है होना उर्दू में भी है। सर। उसके बाद फिर डेवलपमेंट ये किसको नोट्स बोलते कहाँ हैं, से ले सकते सर, हाँ ये नोट्स ये कहाँ से नोट्स ले कहाँ सकते से हैं? लेना, ये नोट्स मैं बनाया जो मेरे पास ही चाहिए, मैं आपको क्लास दे दूंगा तो सामने रख के समझाता हूँ, जी, नहीं बोल तो पीपीटी बन जाता तो पीपीटी भेज देता हूँ मैं आपको, ये पीपीटी है हाँ सेंड ये कर सब दूंगा, भेज दीजिए ऑलरेडी मैं भेजा, ना साल सर, पहले भी भेजा, आप 2 साल भेज पहले भी दिए भेजा, सर, हम 2 साल पहले भी पीडीएफ भेजा, सेंड करिए सर। 3 साल पहले भी हाँ सर, भेजा, इस बार भी भेज तो मैं, आप कहाँ भेजिए सर, हम लोग जी रहते सर पे भेजते भेजते, हैं। ये कौन से पोक्सी, ग्रुप ये में पोक्सी की क्या है, पोक्सी के भेजते माने क्या है, हैं तो पहले आपको सर, आप ये जो नोट्स भेजते बोल रहे सर, कहाँ पे भेजते सर, ग्रुप ग्रुप किस में, ग्रुप में भेजें? ये बालिदगी और नशोनुमा में क्या फर्क है, उसके बाद पेडागॉजी क्या है, मेथड मेच्योरिटी क्या है, मेच्योरिटी और लर्निंग में क्या फर्क है, ठीक है ना, थोड़े बीच बीच में थोड़े सवाल आता, ये इंग्लिश में रहते हैं तो उर्दू में समझा देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो इस तरह से ये डेवलपमेंट मेच्योरिटी ग्रोथ के नोट्स है, मैं इसको समझाता हूँ आपको, आप ना थोड़ा सबर का मुजाहरा करके अगर सुने तो धीरे धीरे हम तमाम चीजें सीख ले सकते हैं, समझ रहे हैं बात को। तो ये था डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पेडागॉजी में, डेवलपमेंट किसको बोलते हैं, ग्रोथ किसको बोलते हैं, ठीक मेच्योरिटी किसको बोलते हैं, कॉन्सेप्ट में ये फर्स्ट लाइन का था, देखो पीपीटी आप देख रहे हैं, दिख रही फर्स्ट लाइन ऊपर के, जी सर, हाँ जी सर, तो उसको जी सर, समझना, समझना जी सर, है, लिख लेना है, आप जल्दी जल्दी सर हम आपको भेजो, हम लिख लेते हैं नोट्स 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 नोट्स, किसी के लो मत, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने की कोशिश कराओ, वो मैं बोला ना परसों करीमनगर मंचेरियाल और आदिलाबाद के बच्चे नोट शेयर करे मेरे को, इतना ब्यूटीफुल नोट्स बना रहे हैं, आप बनाओ नोट बनाओ, डेवलपमेंट के माने क्या है, ग्रोथ के माने क्या है, मेच्योरिटी के माने क्या है, मेरी क्लास भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, मेरी डेवलपमेंट की क्लास है आप देख सकते हैं, देख के सुन के मस्त आराम से पढ़ो, नहीं बोलते फिर मेरे मेरा मेरी क्लास सुनो, अभी आपको मैं तीन दो डेफिनेशंस बोल दिया, मैं ग्रोथ के माने क्या है बोल दिया, जिस जिस माने तो आमतौर पर फिजिकल चेंज इन ए पर्सन, इंग्लिश में फिजिकल चेंज इन ए पर्सन दैट इज नोन एज ग्रोथ, फॉर एग्जाम्पल चेंज इन वेट, चेंज इन हाइट, क्लियर, इजी नहीं है, घर से देख इज लेना, अभी नोट्स की क्या जरूरत है, आप ग्रोथ बिल लिखो, बाजू किसी को लिख रहो, फिजिकल चेंज इन अ पर्सन, फॉर एग्जाम्पल चेंज इन हाइट, चेंज इन वेट, दैट इज नोन एज ग्रोथ, क्लियर, जिस्मानी तब्दीली ये ग्रोथ है, डेवलपमेंट किसको बोल रहे, नॉट ओनली फिजिकल चेंज, फेलियर में तो हाँ नॉट ओनली फिजिकल चेंज बट ऑल्सो सम अदर चेंजेस इन ए पर्सन लाइक सोशल चेंज, मेंटल चेंज, कॉग्निटिव चेंज एंड सेक्सुअल चेंज, लिंग्विस्टिक चेंज, देर आर मेनी चेंजेस आर देर, दैट चेंज इज नोन एज डेवलपमेंट, तब्दीली क्या होता है जिस्मानी इसका? तब्दीली के अलावा एक फर्द में पाए जाने वाली मुख्तलिफ अलग अलग तब्दीलियों को, दीगर तब्दीलियों को हम क्या बोल रहे हैं, नशोनुमा बोल रहे हैं, ठीक है ना, सर, नशोनुमा बोल रहे हैं, जिस्मानी तब्दीली के अलावा इंसान में और क्या क्या तब्दीलियां डेवलपमेंट आती बोलते इंटरनल चेंजेस को बोलते ना सर। है, डेवलपमेंट इंटरनल चेंज भी होता एक्सटर्नल चेंज भी होता, एक्सटर्नल चेंज बोलते जो अपियर होता हाइट और वेट, अपियर होता जी वो ग्रोथ है ये ना सर, ग्रोथ है, डेवलपमेंट बोले तो, हाँ डेवलपमेंट बोले तो इंटरनल चेंज लाइक अ मेंटल डेवलपमेंट हाँ इंटरनल चेंज बोल तो आपको दिखता नहीं, यू कैन नॉट जी सी जी इट, यू जी कैन टच इट, यू कैन फील इट, जी गुस्सा लग दिया गर्मी मार दिया वो क्या है, इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होती, छोटी सी बात को गुस्सा आके उन्हें मार दिया तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट सही नहीं हुआ, उन्हें चार लोगों के साथ मिलके नहीं रह रहा, एक बच्चा तन्हा रह रहा, जी अकेला रह रहा, खिड़की के पास कोने में बैठ रहा, एडीएचडी है उसको, वो बच्चे को, जी वो बच्चे का क्या कौन सा डेवलपमेंट है, वो सोशल डेवलपमेंट है, सामाजिक डेवलपमेंट,
सोशल डेवलपमेंट हाँ होना वो होना क्या होना पड़ता बोलो। नहीं लर्निंग होना लर्निंग नहीं, सोशल डेवलप, सामाजिक नशोनुमा किसी के बच्चे में, कोई बच्चे में आप पड़ा। लाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उसको लैंग्वेज डेवलपमेंट आना, पहली बात जबान लिसानी नशोनुमा होना, बात करने आना पहले उसको, पूरे इसलिए दूर दूर है उसको बात करने नहीं आता सही किसी से, उसके जुमलों में हर कोई मजाक उड़ाता, अरे तोतला है उसको ये बोलने नहीं आ रहा, एक हमारा दोस्त था अगन बोलने का लगन हाँ बोला, सब जने उसका नाम लगन रख दिया, चिड़ में आगे किसी से बात ही नहीं कर रहा, सो ये तो इंग्लिश में खराब। डेवलपमेंटल चेंज। हाँ ये दिस सोशल डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, सेक्सुअल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, देर आर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, देर आर ऑल द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट, एक नहीं है डेवलपमेंट, अच्छा बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं, बहुत सारे नेशनों में, समझ मैं बोलता। फिर एक बार मैं आपके सामने स्क्रीन रखता हूँ, आप लिख लो इसको, कोई बड़ा मसला नहीं है, तो लिख लो स्क्रीनशॉट ले लो, डेवलपमेंट किसको बोलते हैं, नशोनुमा किसको बोलते हैं। देखो मैं ग्रोथ लिख दिया, ग्रोथ दिख रहा आपको बारीकी किसको बोलते, लिख लो। देखो जिस्मानी शक्ल में होने वाली तब्दीलियों को हम क्या बोलते, बोलते बारीकी बोलते, इंग्लिश में भी है, इंग्लिश मीडियम वाले को कोई है तो, ग्रोथ रेफर्स टू इंक्रीज इन फिजिकल साइज ऑफ द होल बॉडी व्हिच इज एक्सटर्नल, वी कैन से अंदर भी चीजा बढ़ते, दिल गुर्दे भी साइज में बड़े होते ना जी, बड़े होते नहीं होते, हाँ दिमाग में बड़ा जी होता है, इंटरनल एक्सटर्नल में क्या मैं डिफरेंस नहीं कर सकते, सडनली आप इतना कंक्लूड नहीं कर सकते, इंटरनल एक्सटर्नल जी अंदर के हाँ आसा भी हमारे क्या होते हैं, बड़े होते हैं, द इंटरनल ऑर्गन सच एज किडनी लीवर आल्सो गेट्स इट्स साइज इन इंक्रीज लिटिल बिट, वी कैन नॉट से दैट इंटरनल चेंज और एक्सटर्नल चेंज, बट वी कैन से दैट फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल चेंज इन होल बॉडी, होल बॉडी लिखना पर मुकम्मिल जिसम में तब्दील होने वाली तब्दीली को बालिक की बोला, ये एक मकदारी तब्दीली है, मकदारी तब्दीली बोला था, ये क्वांटिटेटिव चेंज है, क्वांटिटेटिव चेंज, क्वांटिटेटिव मकदारी का मतलब जिसको हम पैमाइश कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव चेंज मींस विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी मेजर्ड इन केजीज और पाउंड और मीटर्स और इंचेस और फीट, जिसके हम पैमाइश कर सकते हैं किलोग्राम में, इंच में, मीटर, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इन तमाम चीजों को हम क्या बोल रहे बालिद हैं, सिंपल नहीं है, सिंपल नहीं है, की बालिद सिंपल नहीं है, सिंपल है नहीं, रूल। सर म्यूट हो गए आप। ये है नशोनुमा का डेफिनेशन, आपको दिख रहा है आपके स्क्रीन, हाँ देखो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट, इट इज अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज, इट इंक्लूड्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, इट इज अ क्वालिटेटिव चेंज एंड इट कैन बी मेजर्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, इसको यकीनी तौर पे नशोनुमा की पैमाइश करना मुश्किल है, एग्जैक्टली ये बच्चा होशियार है बिल्कुल नहीं बोल सकते, कौन से बच्चे को होशियार बोलेंगे आप, कौन से बच्चे को मुद्दू बोलते हैं आप बोलो, नहीं बोल सकते हैं। ये मियारी तब्दीली आ रहा था, मिसाल के तौर पे कौन से तब्दीलियों को हम क्या बोल रहे हैं, जिस्मानी तब्दीलियों के साथ साथ, जिस्मानी तब्दीलियों के साथ साथ जहनी तब्दीली, माशराती तब्दीली, नफसियाती तब्दीली, जज्बाती तब्दीली, जिनसी तब्दीली, लिसानी तब्दीली, तमाम दीगर मुकम्मिल तब्दीलियों को हम क्या बोल रहे हैं, नशोनुमा दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलप, इट इंक्लूड्स ऑल डेवलपमेंट नॉट ओनली फिजिकल चेंज बट ऑल्सो अदर डेवलपमेंट सच एज कल्चरल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सेक्सुअल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, हाँ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ऑल काइंड्स ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट इज ए क्वालिटेटिव चेंज, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर बट इट इज पॉसिबल टू मेजर, बट यू कैन नॉट एग्जैक्टली से दैट ही इज गुड और ही इज बैड। मिसाल के तौर पे एक आदमी है, समझो किसी के भंजान है, भवन साहब है, उन्हें किसी से बात ही नहीं कर रहे, खामोश है, अब उनको बुरा बोलते आप, स्क्रीनशॉट सही नहीं आया सर, ये हाफ ही चल रहा। बाप रे बाप,
स्क्रीनशॉट या ये पीपीटी नहीं दिख रहा आपको? नहीं करेक्ट दिख रहा है सर, पेपर करेक्ट आपके फोन में है कुछ सर। प्रॉब्लम होगा? आपके फोन में नहीं कुछ अभी सही प्रॉब्लम? हो, अभी सही नहीं है नहीं सर, सर, सही सही है सर, अब सही है सर। समझ रहे क्वेश्चन हो? में डेवलपमेंट में ग्रोथ भी अगर आया बोल के ऐसा बोले तो उसको डेवलपमेंट बोलते हैं सर। ना अगर क्वेश्चन क्या है मैं ग्रोथ सामने तो समझा तो मैं आपको अलग डेवलपमेंट अलग। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है में आपको? एक आदमी एक बच्चे को क्या बोलते हैं, ग्रोथ भी है हाँ साइज में भी बढ़ रहा है उन्हें, तो फिर उसको डेवलपमेंट बल्कि सब बोलते हैं नहीं, जस्ट खाली साइज ही बोलते हैं क्या सर, ग्रोथ ही बोलते हैं खाली, जस्ट आप क्वेश्चन साइज में ही एग्जैक्टली बढ़ मत रहा। बोलो, आप एग्जैक्टली क्वेश्चन बोलो, मैं उसका आंसर दे दूं। क्या था क्वेश्चन? क्या था? सर डेवलप एक बच्चे में सर डेवलपमेंट बोल के किस कैसा बोल सकते हैं, जबकि उसके साथ ग्रोथ भी रहना और डेवलपमेंट भी रहा तो बोल सकते हैं क्या सर, डेवलपमेंट बोल के नहीं खाली डेवलपमेंट में, खाली डेवलपमेंट भी रहा तो ही बोल सकते हैं डेवलपमेंट बोल के। लास्ट में देखो, देखो डेवलपमेंट लास्ट ग्रोथ में दो लास्ट होता ना में बच्चे में, एक साथ होता। हाँ ये देखो 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 लास्ट की लाइन देखो, डेवलपमेंट इज इक्वल टू मैच्योरिटी प्लस लर्निंग बोल। डेवलपमेंट के माने क्या है बोल तो, उसके पास मैच्योरिटी भी है ना और लर्निंग भी है ना, दो चीज है ना। लर्निंग मीन्स रिलेटिवली परमानेंट चेंज, मैच्योरिटी मीन्स चेंज अकॉर्डिंग टू द एज। अरे सर आपको थोड़ा टाइम लगता है, आप गड़बड़ी मत करो, थोड़ा मेरे को सिखाने दो, सीखने के बाद आपके पूरे ओके डाउट चले जाते हैं। आप थोड़ा गड़बड़ी मत ठीक करो, फिर भी आपके डाउट के हिसाब से मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखो क्या हो रहा, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इंसर्ट शेप्स की तरह यहाँ है राइट, देखो ये सर्किल है ठीक है ना, और एक जी सर्किल है ठीक है, ये डेवलपमेंट है, ये बड़ा सर्किल जो है ना डेवलपमेंट है, छोटा सर्किल क्या है ग्रोथ ग्रोथ है, है। छोटा सर्किल जो है ना वो क्या है बोले तो ग्रोथ ग्रोथ है। सडनली ऑल ऑफ ए सडन कोई चीज सीखना बोलते काफी थोड़ा टाइम लगता, समझ रहे हो? ये है जी कॉन्सेप्ट, ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, समझ ना, ले लो स्क्रीनशॉट। मैं अब वही बोलो पूछ रही ग्रोथ थी बड़ा है सर, डेवलपमेंट बड़ा है, ठीक डेवलपमेंट है बड़ा है, मैं वही बोल रही थी सर, मेरा डाउट वही था कि डेवलपमेंट मतलब थोड़ा ग्रोथ भी है कि भी अगर डेवलपमेंट ज्यादा रहा तो मतलब उसको डेवलपमेंट बोलते हैं ना, इधर ग्रोथ बोलते हैं बोल के पूछ रही थी सर। डेवलपमेंट 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 इज ए यू नो ग्रोथ इज अ वास्ट, पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। बस ऐसा बोल सकते हैं आप। नहीं बोले तो आप यहाँ डिफरेंस देखना है तो देख लो, ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस यहाँ लिख दिया था, दिख रहा सामने स्क्रीन पे ओके आपके। थर्ड हाँ, दिख रहा था। पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट ग्रोथ रेफर्स टू क्वांटिटी क्वांटिटेटिव चेंजेस, हेंस वी कैन ऑब्जर्व द ग्रोथ, हाइट वेट हम ऑब्जर्व कर सकते। डेवलपमेंट रेफर्स टू क्वालिटेटिव चेंजेस, वी कैन नॉट ऑब्जर्व डेवलपमेंट डायरेक्टली। फीलिंग्स को नहीं समझ सकते आप, किसी के थिंकिंग को नहीं समझ सकते आप, नहीं। हाँ सही है सर, तो इस तरह से क्या बोलते हैं, सिक्स्थ पॉइंट देखो, सिक्स्थ पॉइंट आपका डाउट जो सिक्स्थ पॉइंट है, ग्रोथ इज अ नैरोर कॉन्सेप्ट, जी इट रिफर्स ओनली फिजिकल चेंज, इट इज लिमिटेड टू फिजिकल चेंज, सिर्फ जिस्मानी तब्दीली के हद तक महदूद है आपका बालिदी, जबकि नशोनुमा डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, इट रेफर्स टू ओवरऑल चेंजेस। ओवरऑल चेंजेस कौन से चेंजेस को बोल रहे हैं हम, कौन से चेंजेस को बोल रहे हैं हम, ऑल चेंजेस, कौन से फिजिकल चेंजेस है, डेवलपमेंट कॉग्निटिव चेंज है, लैंग्वेज चेंज, लिंग्विस्टिक चेंज है, सोशल चेंज है, कल्चरल चेंज है, इमोशनल चेंज है, देयर आर मेनी चेंजेस। हम उसके डेवलपमेंट थीरीज जब देखेंगे हर एक के अलग अलग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जी हम किसका देखते, जीन पियाजे का देखते हैं नहीं, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट किसका देखते, हम जी कोहलबर्ग का देखते हैं नहीं, डॉक्टर अलग सोशल डेवलपमेंट एरिक एरिक्सन का देखते हैं, और साइको सेक्सुअल साइको एनालिसिस एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट हम किसका देखते हैं, सिगमंड फ्राइड का देखते हैं। सिगमंड हाँ इस तरह से बहुत सारे क्या है बोलते हैं नजरियात है आप किसके, नशोनुमा को लेकर। तो बराबर घुमा फिरा के यहाँ पर जो मैं आपको स्क्रीन पे रखा, इससे आपको अंदाजा मिल जा रहा नशोनुमा का दायरा बहुत बड़ा है
और बालिदी का दायरा बहुत छोटा है, और बालिदगी जो है नशो छोटा नुमा का एक हिस्सा, और बालिदगी महदूद है कहां तक, सिर्फ जिस्मानी तब्दीली तक। अब्दुल इट इज ग्रोथ इज ए वेरी मच लिमिटेड कॉन्सेप्ट, इट इज लिमिटेड अप टू ओनली द फिजिकल चेंज ऑफ ए पर्सन, आइदर इट कुड बी फिजिकल चेंज, क्या है ये दो चार पर्सन, और क्या बोलो फिजिकल चेंज, और ये रुक जाता है कि ना, कि ग्रोथ कंटिन्यूअस होता है या डेवलपमेंट कंटिन्यूअस होता है जिंदगी भर। लाइफ लॉन्ग डेवलपमेंट डेवलपमेंट कंटिन्यू होता है, डेवलपमेंट नशा डेवलपमेंट अपने ग्रोथ सामने क्या है बोलते, कहीं ना कहीं रुक आगे क्या होता बोलते, रुक जाता ग्रोथ, जाता सर, बट डेवलपमेंट क्या है, इट इज लाइफ हमेशा लॉन्ग कंटिन्यूअस ग्रोथ। रहता हाँ ये फिफ्थ पॉइंट पढ़ो आप लोग, फिफ्थ पॉइंट पढ़ो, पांचवा पॉइंट पढ़ो इसमें, ये स्लाइड पे दिख रहा स्लाइड सर। पे, ग्रोथ Throughout the कंटिन्यूअस। life, it stops at a point of time in life. निशाद निशाद पढ़ो, अभी निशाद डाउट पूछ रहे थे ना, हाँ सर, ग्रोथ कैन नॉट बी फिफ्थ कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ, इट स्टॉप्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ। वही ना सर, अगर ग्रोथ हमेशा बढ़ने की रहती तो उम्र भर बढ़ते ही रहता था आदमी का हाइट वह सब, पॉइंट। एक एज आने के बाद बढ़ आप मेरे को मत बोलो, आप समझे क्या बोलो बस। ना। हाँ सर, वही मेरे को समझ में आ गया। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, आपका डाउट क्लियर करना मेरा फर्ज है उस्ताद होने के नहीं, हाँ नाते। हाँ तो सर, मैं अपने आप आप को ही समझा अगर ले रही नहीं, आप अगर क्लियर है बोलते मैं आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि दूसरे बच्चे वेट कर रहे हैं। ना। हाँ राइट सर, ओके ना, ये फिफ्थ पॉइंट दिया, डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट गोज फ्रॉम मदर्स वूम टू टूम, यानी मर गए तक डेवलपमेंट जारी रहता, हेंस डेवलपमेंट इज अ ग्रोथ लाइफ वो तो लॉन्ग। एक, हाँ सर, ग्रोथ एक ए जाने के लिए रुक जाता। अब लोग बाकी स्टूडेंट समझ गए ना, यस सर, जी क्योंकि सर, जी आप सर, अगर आप समझेंगे कॉन्सेप्ट्स को, मैं जब क्लास लेता हूँ आप बाबा डेवलपमेंट और ग्रोथ मेच्योरिटी की क्लास लेता हूँ मैं, आप फिलहाल हम कहाँ पर अटके हुए हैं, हम कहाँ पर अटके हुए बोले तो, हम सिर्फ सिलेबस का डिस्कशन कर रहे, इसलिए मैं आपको क्या बोला, सिलेबस अगर आप समझ गए तो कितनी कामयाबी आपके हाथ में है, कितना सक्सेस आपके हाथ में रहता, 50% इसलिए आपको समझना है, समझ गए तो बाकी एग्जाम्पल समझना है। बहुत सारे बच्चों को सिलेबस ही नहीं मालूम, टेट का एग्जाम प्रिपेयर हो अप्लाई करना, क्लियर। जी ये सर, क्लास खत्म हो गई तो कल इंशाल्लाह मिलेंगे, शायद टाइम खत्म हो जा रहा, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं, जितना सुने उतना लिख लो नोटबुक्स में, फेयर करके अच्छा बैठ के सुन के वीडियोस देख के नोट्स लिखो।